तो बच्चों वो वीडियो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गया था, तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमारे पास दो एंगल्स हैं, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी। इनको हमें चेक करना है कि ये एडजेसेंट हैं या नहीं। तो पहली कंडीशन थी कॉमन आर्म, तो ए ओ बी एंड बी ओ सी, सॉरी कॉमन वर्टेक्स। तो इसमें कॉमन वर्टेक्स है, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट बिकॉज दे हैव कॉमन वर्टेक्स ओ। आप देख सकते हैं दिस इज कॉमन वर्टेक्स ओ। उसके बाद है कॉमन आर्म बी ओ। तो कॉमन आर्म देखिए, ए ओ बी में ओ बी आर्म है और बी ओ सी में भी ओ बी आर्म है, तो इसका मतलब कॉमन आर्म इज देयर। थर्ड इज नॉन कॉमन आर्म्स ए ओ एंड सी ओ आर ऑन अपोजिट टू द कॉमन आर्म बी ओ। देखो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ओ ए या ए ओ और ओ सी या सी ओ। ये देखो अपसाइड है इसके और ये इसके डाउन साइड है, तो इसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये है एडजेसेंट हैं। नेक्स्ट है लीनियर पेयर। टू एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। अब आपने सप्लीमेंट्री में भी 180 पढ़ा था और लीनियर पेयर में भी 180 है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, इसके इसमें एक लाइन में होते हैं, मतलब दोनों एंगल्स एक ही फिगर में होते हैं। इसका यूज क्या है, देखिए अगर ये 60 दे रखा है तो इसको आप निकाल सकते हो 180 में से माइनस करके, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। और जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो अलग अलग फिगर में हो सकते हैं। और अच्छा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर इन द गिवन, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब बनते हैं, जब हमारे पास दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे फिगर में देख लीजिए, हमारे पास लाइन है ए बी, लाइन मतलब लाइन सेगमेंट, और दूसरा लाइन सेगमेंट है सी डी। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में एंगल्स हैं पेयर वाइज ये इक्वल होते हैं, मतलब वन और टू, थ्री और फोर, ये आपस में इक्वल होंगे, मीन्स वन एंड वन इक्वल टू टू, थ्री इक्वल टू फोर। अब इस पे प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं देख लीजिए। एग्जाम्पल प्रॉब्लम मैंने लिखी है, जैसे हमारे पास ये एंगल 60 डिग्री है, तो आपको फाइंड ए बी सी। तो सबसे पहले देखिए बी 60 डिग्री होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट, बी और 60 वर्टिकली अपोजिट है, तो बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखिए ए और 60 लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। देखो ऐसे मैं इसको रखूंगा तो ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, जो आपने पढ़ा था एक्स प्लस वाई 180 डिग्री। तो ए प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो ए की वैल्यू 180 माइनस 60, दिस इज 120। ऐसे ही ए अगर 120 है तो सी भी 120 होगा। तो मैंने लिखा ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। थैंक यू सो मच।